गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ मैग्नोलिया, जो कि एक बहुत ही फाइन डाइन रेस्टोरेंट है जेएलएन मार्ग पर, और इसकी लोकेशन वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इनका, अगर आपको नेचर के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना हो तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है जयपुर में। बाकी मैं आपको इनका एम्बियंस वगैरह दिखा देता हूँ। पहले ये इनका आउटडोर एरिया है, तो आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, एक स्पेस पीछे भी है इनके पास। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीछे वाला सिटिंग एरिया है और ये नेचर के एकदम करीब है। तो आपको नेचर के पास बैठकर खाना खाना पसंद है तो डेफिनेटली ये आपके लिए चॉइस होनी चाहिए। और ये इनका वुड फायर्ड ओवन है जहाँ पर ये पिज्ज़ा बनाते हैं इन हाउस। ये इनका अंदर का सिटिंग एरिया है, एकदम क्वाइट और काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन। ये इनका प्यारा सा मेन्यू था जिसमें से हम लोगों ने 3-4 चीज़ें ऑर्डर की थी, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये आ गया है हमारा वाइट सॉस पास्ता, जो कि पेस्टो सॉस के साथ इन्होंने सर्व किया था। काफ़ी सारी वेजीज और सॉस और एक गार्लिक ब्रेड के साथ इन्होंने दिया था हमें ये। टेस्ट इसका काफ़ी अमेजिंग था। और उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया था क्रिस्पी हनी चिली पटैटो, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट था, आपको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने दो शेक लिए थे, एक तो किटकैट और न्यूटेला, दोनों का टेस्ट बहुत लाजवाब था यार। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करना। और ये इनका ओवन है, आप इंग्रेडिएंट्स चेकआउट कर सकते हैं। और ये इनका स्पेशल ओवन है, ये आप चेकआउट कीजिए प्लीज़, ये हटाना। ओके, इसके अंदर जो लकड़ी डालते हैं वो कौन सी होती है? मैंगो ट्री की। हाँ, पिज्जा बन रहा है हमारा, हमारा कोत्रो फार्मा जी बन रहा है। ठीक है, इसमें चार तरीके की चीजें रहती हैं। हाँ, फोर चीज आता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज डालते हैं इसमें? जैसे मोजरेला हो गया, चेडर हो गया, पार्मेसन चीज हो गया। ठीक है, और इसमें और फेटा चीज हो गया। फेटा चीज, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पिज्जा अब जाने वाला है ओवन में। ये अपना पिज्जा ओवन के अंदर चला गया। तो ये आ गया है हमारा 4-चीज पिज्ज़ा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ इन्होंने डाली हुई थी। और जो मेन इंग्रेडिएंट था इस पिज्ज़ा का, वो एक तो था थिन क्रस्ट पिज्ज़ा था ये, तो काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी क्रंची था। उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारा फेटा चीज़ डाला था, जिसका यार टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। आप यहाँ जाएँ तो डेफिनेटली ये 4-चीज़ पिज्ज़ा ट्राई करें, मेरे रिकमेंडेशन। ओके, ये रोस्टेड वेजीज वाला पिज्जा हमारा बन रहा है, ये भी थिन क्रस्ट है। हाँ, सारे पिज्जा भी मेरे पास ऑर्डर है थिन क्रस्ट। ठीक है। जो दूसरा पिज्जा हम लोगों ने ऑर्डर किया था उसका नाम था रोस्टेड वेजीज पिज्जा, ये भी थिन क्रस्ट में था। तो प्रिपरेशन आप एंजॉय कीजिए। ठीक है, ये इनकी सॉस आ गई है, ये टमाटो सॉस है वेजीज। ठीक है, ये जलेबी। अच्छा, इसको छोटा छोटा काटा हुआ है। हाँ, चॉप करो। ओके, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी वेजीज पिज्जा पे डाल दी हैं, और टॉपिंग के मामले में यार इन्होंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। बाकी चीज़ की क्वालिटी एकदम बढ़िया थी और वेजीज एकदम फ्रेश थे। ये अपनी ब्रोकली आ गई है एकदम फ्रेश फ्रेश। उसके बाद इन्होंने भर भर के इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दी, यूजुअली आपको कैफेज़ में इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद इन्होंने पिज्ज़ा को डाल दिया ओवन में बेक होने के लिए। अब अपना कौन सा पिज्ज़ा बन रहा है? ये आपका बन रहा है रोस्टेड बेसिस। ओके, आपको दिन मतलब पहले वाला जो पिज्ज़ा था वो थिन क्रस्ट था। अच्छा, ये दूसरे बेस में बन रहा है बस। हाँ, जैसे अगर आप किसी को रेकमेंड करें कोई यहाँ पे आए पिज्ज़ा खाने के लिए, तो आप कौन सा पिज्ज़ा रेकमेंड करेंगे? मैं तो एक्चुअली अपने अपनी वाला बेसिक रेकमेंड करूँगा, उसमें क्या अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, क्रिस्पी होता है और हैवी भी होता है। अच्छा, बेसिकली इनके पास दो तरह के क्रस्ट मिल जाएंगे आपको। तो पहला जो डोमिनोज स्टाइल का रहता है, जिसे हम नेपल स्टाइल भी बोलते हैं या फिर नियोपॉलिटन स्टाइल, जिसमें साइड की जो ब्रेड होती है वो अपलिफ्टेड रहती है, तो वो वाला मिल जाएगा। और दूसरा मिलेगा आपको थिन क्रस्ट। तो जैसे आपकी प्रेफरेंस है वैसा आप चूज़ कर सकते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, और टेस्ट दोनों में बेटर लगता है। मेरा नियोपॉलिटन स्टाइल वाला ज़्यादा फेवरेट है, बाकी आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओके, तो आप इसके लिए फ्लावर लगाते हैं? ठीक, तो ये हमारा रोस्टेड वेजीज वाला पिज्ज़ा तैयार हो गया है नियोपॉलिटन स्टाइल में।
टेस्ट इसका यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बाकी एक चीज़ मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताना चाहूँगा, जो कि है इनकी पेस्ट्रीज़ का टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप ज़रूर से इनको ट्राई कीजिएगा, और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए। ये कितने समय से खुला हुआ है कैफे? 17 मई 2022 को स्टार्ट हुआ था। 2022 से ये पहले भी यहाँ पे ये कैफे था? पहले तो कैंटीन था यहाँ पे। अच्छा, उसको रेनोवेट करके आपने पूरा लीज, तो ये लीज पे ली हुई प्रॉपर्टी है? लीज पे ली हुई, ठीक है। और किसी और तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो ये नईम जी हैं, आप यहाँ पे आके इनसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे। और खाना इनका बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से, बाकी आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। Thank you.